हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और आज हम सेकंड लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो क्या रोल अदा करते हैं, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स क्या होती है, जो सिटीजन होते हैं उनके जीवन में राइट्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि किसी भी सिटीजन की फुली डेवलपमेंट के लिए या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है वो होते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स। तो राइट्स के बगैर कोई भी आदमी जो है वो फुली डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम एशियन गेम्स और मचाव लालू के जीवन से रिलेटेड जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एशियन गेम इन 1982, इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट है हमारी उसने एशियन गेम की तैयारी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था कि भाई आपने जो फ्लाई ओवर या स्टेडियम बनाने के जो काम है वो पूरे करने हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, जो पुअर लेबर थी उनसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया और उनकी जो वेजेस बनती थी वो देने से मना कर दिया, यानी कि जो उनकी प्रॉपर वेजेस जो थी वो उनको नहीं दी गई थी। तो सोशल साइंटिस्ट जो थे हमारे उन्हें पता लगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने जो लेबर थी उनको पूरा पैसा नहीं दिया। तो पूरा पैसा नहीं दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी वो डाली थी फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, इस राइट्स के तहत। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई जितने भी इनका वेजेस बनता है इनको दिया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उससे हम अपने होने वाले जो एक्सप्लॉयटेशन है शोषण है उसको रोक सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्टोरी जो दी गई है वो दी गई है मचाल लालू, जो जुबरी विलेज से रिलेटेड है और मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट है जो असम में पड़ता है वहां से इस ये आदमी बिलोंग करता है। क्या होता है कि इंजरी केसेस में मचाल लालू को 23 साल की उम्र में कैद कर लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसकी हालात ऐसी नहीं थी कि वो ट्रायल के लिए स्टैंड कर सके। तो उसको क्या हुआ था, ट्रायल मीन्स सुनवाई के लिए स्टैंड कर सके, तो उसको फिर अस्पताल में भेज दिया जाता है, और अस्पताल में भेजने के बाद फिर थोड़े दिन बाद जब इलाज किया गया तो इलाज करने के बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि अब ये ठीक है, तो उसको सुनवाई के लिए बिल्कुल तैयार है, ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार है। तो 1967 में और एक 1996 में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि जो जेल अथॉरिटी थी उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई जो मचाल लालू है ये ट्रायल के लिए बिल्कुल सही है। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आखिरकार जुलाई 2005 में उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पर उसकी एज जो है वो 77 इयर्स हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो लिबर्टी वाला है, स्वतंत्रता वाला है, तो वो फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से जो मचाल लालू है उसका सारा का सारा जीवन जो था वो जेल में ही चला जाता है, और आखिर में जब उसकी सुनवाई की गई तो आखिर में उसको छोड़ भी दिया जाता है 2005 में, यानी उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो जेल में ही चला जाता है। नेक्स्ट है फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको पता है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या थी वो 7 थी, यानी कि 7 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें दिए गए थे। लेकिन जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 42(1) अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, जो फंडामेंटल राइट्स था
सॉरी 44 अमेंडमेंट जो था उसमें क्या किया गया था, जो फंडामेंटल राइट था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था। तो अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 6 बचे हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट जो है वो हमें दिए गए हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक लास्ट राइट बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, और राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसका जिक्र किया गया है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनको इंक्लूड किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट को होता है 3, और आर्टिकल जो होते हैं वो 12 से लेकर के 35 तक इनका इनका डिस्क्रिप्शन किया गया है, यानी कि इनका वर्णन किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि भाई जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। उसमें क्या क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने हम सभी इक्वल हैं। इक्वल है मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई छोटी से छोटी पोस्ट एक पियोन की पोस्ट से लेकर के प्रेसिडेंट की पोस्ट तक भी किसी के साथ भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सभी के लिए कानून जो है वो बराबर होंगे। उसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि लॉज की जो प्रोटेक्शन है वो भी इक्वल होगी, यानी कि सबके जो कानून होते हैं उनको बराबर से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी को भी मनाही नहीं, पूरी तरह से मनाही की गई है इस चीज की, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव करने की मनाही की गई है, कि किसी के साथ ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना किसी जाति के आधार पर, ना किसी लिंग के आधार पर, ना किसी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कि भाई इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म हरियाणा में हुआ है, इसका पंजाब में हुआ है, इसका तमिलनाडु में हुआ है, या केरल में हुआ है, या बंगाल में हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इसके बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल माना गया है। इसके बाद है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, वॉकिंग घाट, रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि सब के सब इक्वली होटल्स का, शॉप्स का, वेल्स का, टैंक्स का, वॉकिंग घाट का, रोड का यूज कर सकते हैं। किसी को इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि भाई ये इस कास्ट का है या इस रिलीजन से है या इस देश से है तो इसको यहाँ इस रोड पे चलना मना है, या इस पार्किंग घाट पर नहाना मना है, टैंक्स का यूज करने में मना है, तो किसी को भी रोका नहीं जा सकता। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है सबको उसमें बराबर का अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बराबर मिलती है। उसके बाद किया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है उसको एबोलाइज किया गया है, उसको रोक दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो टाइटल्स जो है उसको भी एबोलाइज किया गया है, यानी जो उसको टाइटल दिया जाता है किसी को भी उस पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारा वो बनता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19-20 इसका यूज किया गया है, और इसमें जो राइट टू इक्वल, ये राइट टू फ्रीडम है इसमें क्या दिया गया है, पहला जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हम अपने
अपने विचारों को कहीं पर भी प्रस्तुति कर सकते हैं। असेंबल पीसफुली और हमें पीसफुली असेंबल होने के लिए भी फ्रीडम प्राप्त है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। फिर फॉर एसोसिएशन, हम अपने यूनियन एसोसिएशन जो है उनको बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इसके बाद है मूव पीरिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी टेरिटरी में यानी किसी भी भाग में आ जा सकते हैं। हम फ्री हैं, फ्री हैं बिल्कुल कि हम कहीं पर भी इंडिया में अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इसमें क्या है कि रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में हम रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, यानी कि वहां पर बस सकते हैं। इसका जो एक्सेप्शनल केस था वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन जो आर्टिकल 370 है उसको हटा देने के बाद अब ये कंडीशन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अब प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, हम किसी भी तरह का जो ऑक्यूपेशन है प्रोफेशन है उसको चला सकते हैं, यानी कि हम जिस भी मर्जी से जो भी ऑक्यूपेशन हम चलाना चाहते हैं वो हम ही चला सकते हैं। दूसरी बात है ट्रेड और बिजनेस, हम अपनी मर्जी का ट्रेड बिजनेस यानी कि व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस, तो हमें किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है राइट टू फ्रीडम है उसमें एक राइट ये भी दिया गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के हमारे पास जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन, हमें एजुकेशन का भी राइट प्राप्त है, एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा राइट है फंडामेंटल राइट इसका जिक्र अलग से भी किया जाता है। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के हम किसी भी केसेस में अरेस्ट होने के लिए क्या कर सकते हैं प्रोटेक्शन ले सकते हैं, यानी कि अगर हमें किसी भी केस में उलझाया गया है या किसी भी केस को हमने किसी भी केस में हम शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट अग्री राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका जिक्र इसमें किया गया है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हम एशियन गेम्स इन 1982 इस स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया जाता है। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना वो किसी भी आदमी के द्वारा ज्यादा मेहनत करवाई जाए और उसको जो वेजेस है वो कम मिले, यानी कि काम से ज्यादा कम मजदूरी मिले उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो शोषण होता है उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो इसका जिक्र जो किया गया है वो आर्टिकल 23 से 24 किया गया है। इसमें क्या किया गया है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर्स्ड लेबर, यानी कि किसी भी आदमी को काम करने के लिए या मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उस पर जो लेबर है वो थोपी नहीं जा सकती, यानी कि जो काम करने के लिए उस पर काम जो है वो जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्ड्स जॉब, और जो भी बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनसे 14 साल से नीचे जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको काम करने के लिए मना किया गया है, और बच्चों के लिए किसी भी खतरनाक जगह पर काम करना जो है वो पूरी तरह से मना किया गया है।
यानी कि ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन जहां पर बच्चे सही ढंग से काम नहीं कर सकते, वहां पर बच्चों से काम करवाना जो है वो भी उनका फंडामेंटल राइट से बनता है, यानी कि वो भी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है। और नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। तो इसमें क्या है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, यानी कि हमें हमारी आत्मा की बात सुनने के लिए फ्री होते हैं, यानी कि हम ही अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म के लिए तैयारी कर सकते हैं या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो हमें स्वतंत्रता दी गई है क्या कोई भी जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने की, यानी कि जो भी धार्मिक काम होता है उसको मैनेज करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि हमें एक स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए काम ही कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम ही कर सकते हैं। फिर है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमें कोई भी धार्मिक जो निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको अटेंड करने की पूरी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। और हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर के इस तरह के जो हमारे रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं उनमें वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम है उसमें हम ही अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी भी जो धार्मिक जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसी भी धर्म को यानी जिस धर्म को हम मानते हैं हम उसकी प्रमोशन के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए काम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका जिक्र 29 और 30 इन आर्टिकल में किया गया है। तो जो कल्चरल एंड राइट टू एजुकेशन है ये क्या है कि हम ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं लैंग्वेज की, कल्चर की और माइनॉरिटीज की। कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज क्या है कि भाई जो भी कम संख्या के लोग हैं, जैसे हमारा इंडिया है मोस्टली हिंदूज इसमें रहते हैं, तो दूसरे जो रिलीजन्स हैं वो माइनॉरिटीज में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। तो कोई भी आदमी अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, फिर माइनॉरिटीज इसकी रक्षा कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ही हरियाणवी बोलना चाहते हैं तो हम ही बोल सकते हैं, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं तो हिंदी बोल सकते हैं, पंजाबी यूज करना चाहते हैं पंजाबी, उर्दू तो उर्दू, मतलब किसी भी लैंग्वेज को हम ही बोल सकते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हम ही जो माइनॉरिटीज में आते हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे काम के, जो भी हमें राइट प्राप्त होते हैं उनके लिए हम ही, अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या उनके विरुद्ध कुछ काम हो रहा है तो हम ही कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं।
किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी इश्यू को लेकर के, चाहे वो डायरेक्शंस का है, ऑर्डर्स का है, रिस्क फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, तो इनके लिए हमें कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो मीन्स कहने का ये है कि अगर जितने भी हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, अगर इनमें से किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो सारे के सारे उनको हम ही सुरक्षित रख सकते हैं। किस प्रकार से रख सकते हैं? उनका उनकी जो प्रोटेक्शन है वो हम ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं उनमें जाकर के हम उनकी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो इस लेसन में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल जो है, यानी कि जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल। तो आज हमने इतना फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, ये हम एक बार इसको पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये कल पढ़ेंगे। थैंक यू।